पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की आज की नई वैकेंसीज को लेकर तो तीन अलग अलग, अलग वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो चलिए जानते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इन पदों पर और यहाँ पर कुल कितने पोस्ट निकल आ के आ रखे हैं योग्यता सब कुछ आपको बता देते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं सी एस आई आर एन की भारतीय पेट्रोल संस्थान यहाँ पर पोस्ट निकल के आ रखी है देहरादून में इसके लिए यहाँ पर जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उन पदों पर पोस्ट निकल के आ रखी है इसमें अगर बात करो यहाँ पर दो तो प्रोजेक्ट एसोसिएट है इसके लिए आप छह पोस्ट निकल के आ रखी है एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए आपके पास ठीक है और यहाँ पर जो है मैक्सम एज पैंतीस साल रखा गया है और इसमें डायरेक्ट वॉर्क इंटरव्यू है आपका यहाँ पर सोलह एक को रहेगा दो हजार तेईस को इसमें जो आपके पर मंथ सैलरी है वो उसके हिसाब से पच्चीस हज़ार के करीबन आपको यहाँ पर देखने को पच्चीस हज़ार से तीस हजार के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद से पोस्ट टू है प्रोजेक्ट ट फर्स्ट का है बारह पोस्ट इसमें है बी बी टेक केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और एज भी सेम है सत्रह तारीख को इसका है और सैलरी आपको सेम है उसके बाद प्रोजेक्ट जो एसोसिएट सेकंड ग्रेड का है उसमें यहाँ पर दो पोस्ट है इसमें यहाँ पर बी बी टेक इसमें केमिकल जो इंजीनियरिंग है इसमें चाहिए सेम है अब सत्रह तारीख को इसका भी है और अट्ठाईस हज़ार पैंतीस हज़ार समथिंग आपकी सैलरी मिलेगी उसके बाद यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट इसमें एक पोस्ट है और यहाँ पर देखते हैं एम एस सी सारी बस सी एग्रीकल्चर से होना चाहिए आपके पास पचास साल एकदम साल रखे गए हैं सोलह तारीख को इसका इंटरव्यू है और बीस हज़ार रुपये पर, पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा ठीक है तो ये डायरेक्टली वॉक एंड इंटरव्यू है वॉक एंड इंटरव्यू की द्वारा आपको यहाँ पर इसी जगह पर जो कि सी एस आई आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून यहाँ पर ही आपका यहाँ पर इंटरव्यू कर दिया जाएगा इसके लिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है और आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आप लोग देखते हैं इस एड्रेस पे आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम करनी है सार पर जो आपका यहाँ पर साढ़े आठ बजे का रखा गया है टाइमिंग और यहाँ पर वॉक एंट्री आपका दस बजे से स्टार्ट होगा जो कि एड्रेस देख सकते हैं दूसरी पोस्ट अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर कार्यालय आयुक्त जो कि खाद्य संरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन उत्तराखंड देहरादून यहाँ पर निकल के आ रखी है कुछ पोस्टों पर जिसमें आपका प्रधान सहायक की एक पोस्ट है और कनिष्क सहायक की तीन पोस्ट हैं कुल चार पोस्ट है तो चार पदों पर जो है पोस्ट निकाली गई हैं इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं दस एक दो हजार तेईस तक जो है ये रजिस्टर तक तो पहुंच जाना चाहिए बताया गया है इसमें आप लोग देखते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पर तीसरी पोस्ट निकल के आके उत्तराखंड में जो है नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण में इसमें यहाँ पर जो है जो संविदा कर्मचारी है उन पदों पर निकली है जिसमें आपका जो सेवानिवृत्त है उनके लिए है और लिखाकार है सारी लिखाकार है कनेक है और वरिष्ठ इन पर है सुविधा के आधार पर रखा जाएगा सत्रह जनवरी को आपका यहाँ पर इसके लिए जो ईमेल है यहाँ तक कर सकते हैं या बाई पोस्ट कर सकते हैं और कोई से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर फॉर्म फिल करना है इसके ऑप्शन साइड से और यहाँ पर जो है इसके लिए जो यहाँ पर जारी करके यहाँ पर इसके साइड यहाँ से चेक कर लेना आदमी फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईमेल आईडी आपको फॉर्म फिल करना है यानी कि ऑफलाइन तरीके से ऑनलाइन तरीके से करना है प्रिंट आउट निकालना है फॉर्म फिल करना है और इस एड्रेस पर जा देना है या तो ऑफलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं बाई पोस्ट से कर सकते हैं ठीक है और 10 से लेकर शाम पाँच तक जो है जमा कर सकते हैं बताया गया है देर किसी भी दिवस में अगर बाई पोस्ट या बाई हैंड करना चाहते हैं तो, तो इसके लिए 17 जिनों तक आवेदन कर सकते हैं